हाल पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। आज सक्सेस टॉक विद चौहान सर के एपिसोड में आज हमारे सामने है जनरल सर। तो वेलकम टू यू जनरल सर ऑन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सर। थैंक यू। एंड सर आज हमारे जो डिफेंस एस्पिरेंट हैं सर उनको अपने बारे में सर थोड़ा सा इन शॉर्ट बताइए सर, कहाँ से है सर, ठीक है, और इसके बारे में। मेरा नाम मेजर जनरल शशिकांत सिंह है और मैं लखनऊ को बिलोंग करता हूँ और यहीं पर ही अभी सेटल्ड हूँ रिटायरमेंट के बाद। अच्छा सर, सर एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करेंगे आज हम आपके सर, ठीक है, क्योंकि मेरे जनरल रैंक, ठीक है ना, वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक है, क्योंकि जनरल के बाद उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल फिर जनरल, तो आप जनरल कैडर तक सर पहुंचे, तो उस जनरल कैडर तक पहुंचने के लिए जो एजुकेशन बैकग्राउंड था सर आपका, सर उसके बारे में जो है डिफेंस एस्पिरेंट जानना चाहते हैं सर। मेरी एजुकेशन सेंट फ्रांसिस कॉलेज लखनऊ से हुई थी जो कि हजरतगंज में है, और चूंकि एनडीए हम के थ्रू सिलेक्शन गए थे तो मैं क्लास 12th में था तभी से, फिर एनडीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में थ्रू हो गए। अच्छा। और तो ये इनिशियल मेरी क्वालिफिकेशन तो इतनी ही थी। अच्छा अच्छा सर, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन सर, हम भी सबसे जानना चाहते हैं, आपसे भी जानना चाहते हैं सर कि सर एनडीए ही क्यों सर उस समय, चूंकि सर किस ईयर में सर एनडीए में आप सिलेक्ट हुए थे सर? सिलेक्ट हुआ था मैं 1977। पिछला बहुत पुराना टाइम पीरियड है सर, 1977 में इतने सारे जो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के ऑप्शन भी नहीं हुआ करते थे उस समय सर, उस दौरान सर एनडीए जैसा ऑप्शन क्यों आपके दिमाग में आया, मैं जानना चाहता हूँ। एक्चुअली उस टाइम जैसे कि आपने बताया कि इतना ऑप्शन स्टडी नहीं करते थे हम लोग, लेकिन एक हवा सी थी। हमारे एक क्लास पहले तकरीबन उसमें 5 से 6 बच्चे सिलेक्ट हुए थे और उसमें से एक बच्चा था जो बिल्कुल एनडीए जिसने टॉप किया था ऑल इंडिया लेवल। तो एक वही एक मोटिवेशन था, वही हवा चल रही थी, तो हम लोग भी फिर उसी रफ्तार में चलते गए और अपीयर किया एनडीए में और सिलेक्ट हो गए। अच्छा, मतलब सर आपने अपने उस दौरान स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन भी किया और एक बार में आपने एनडीए क्लियर? हाँ, पढ़ाई की एक्चुअली प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जो क्लास एनडीए में पूछा जाता है क्लास 12th का ही आता है और क्लास 12th में हम थे ही, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं। सही कह रहे हैं सर, आज भी हम यही कहते हैं कि अगर कोई एनडीए का एस्पिरेंट है तो उसके बेसिक्स क्लियर है, 11th 12th से ठीक से पढ़ रखा है तो उसे आज तक कोचिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है और रोल प्ले करता है किसी भी एनडीए किसी भी एग्जाम्स के रिटन एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सर एसएसबी के एक्सपीरियंस को आप शेयर करें क्योंकि उस समय सर 3-day एसएसबी हुआ करती थी शायद। उस वक्त 5 दिन की होती थी, 5 दिन की होती थी लेकिन स्टेज 1 नहीं होता था। स्टेज 1 नहीं होता था, अभी एनडीए एग्जाम थ्रू करते थे, सबको बुलाते थे 100% और 40-40 का बैच रहता था। तो उसी में से मुझे याद है मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जब गया था अलाहाबाद 19 एसएसबी में मेरा वो पड़ा था इंटरव्यू, और 5वें दिन जब हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें से 50 में से 12 लोग सिलेक्ट हुए थे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। वेरी गुड सर। सर 19 एसएसबी इलाहाबाद रिजेक्शन बोर्ड के नाम से वैसे आप सर वहां से सेलेक्ट हुए सर, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। एनडीए की ट्रेनिंग सर कैसी रही, 3 साल एनडीए में कैसे कटे थे? एनडीए की ट्रेनिंग इट्स वेरी चैलेंजिंग आई मस्ट से, बिकॉज जहाँ जिस लाइफ से हम गए थे, हमारा कोई फौज में बैकग्राउंड भी नहीं था, कोई फैमिली में भी कोई आर्मी में नहीं था, तो काफ़ी टफ इनिशियली ज़रूर लगा क्योंकि सिविल बैकग्राउंड उतना फिजिकल वहाँ पे एकदम से वहाँ पे करवाते हैं, साथ साथ पढ़ाई तो खैर होती है बीएससी की वो अपनी अलग है, लेकिन फिजिकल पे ज़्यादा जोर रहता है, तो इनिशियल फर्स्ट टर्म थोड़ा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे एक बार रूटीन में सेट हो गया तो वहाँ फिर सब चलता है एंड अच्छा रहा था, बहुत अच्छा। वेरी जो लोग देख रहे हैं सर एनडीए ट्रेनिंग के लिए कोई टिप्स सर पहले से जो बच्चे अपने आप को? हाँ, उसके लिए तो मैं तो यही कहूँगा कि एक तो एनडीए ट्रेनिंग अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो अपने आप को पहले से फिजिकली टफ बना के जाइए, मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक आपको डिसिप्लिन्ड लाइफ वहां पर जी में अपने आप को ढालना पड़ेगा, तो वो जैसे सवेरे जल्दी उठना, समय से हर चीज करना, ये थोड़ा सा फिजिकल पे आप अपना ध्यान अगर आप करें तो आप एनडीए में अच्छा कर सकते हैं और अच्छे मेरिट से आप पास आउट हो सकते हैं। अच्छा सर, एनडीए के बाद सर आई में गए हुए सर 1 साल? एनडीए के बाद आई में गए, आई में भी 1 साल का था और आई में क्या है कि मोर ऑफ आर्मी लाइफ के उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा होती है, एनडीए में थोड़ा फिजिकल टफनेस आपको बनाते हैं। अच्छा। लेकिन आई में उसी से आर्मी रिलेटेड जितनी और जो टफनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो कराते हैं और बाहर आपको कैंप्स में ले जाते हैं और किस तरीके से जंगल वॉरफेयर है, माउंटेन वॉर, उस चीज़ की ट्रेनिंग ज़्यादा होती है, तो वो एक चूंकि एक प्लेटफॉर्म बना रहता है एक एनडीए का,
फिजिकली टफनेस का, तो वही चीज में आपको इतनी ज्यादा मुश्किल होती नहीं है आईएमए में। मतलब एनडीए जो है बेसिकली जो है फिजिकल और मेंटल टफनेस का पूरा है, वहां से आप ट्रेन हो जाते हैं। कह लीजिए आप एनडीए एक स्टेपिंग स्टोन है आईएमए के लिए, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं जो डायरेक्ट एंट्रीज आते हैं आईएमए में जो ट्रेनिंग के लिए, तो उनको वही रगड़ा जो हमने इनिशियली एनडीए में किया, तो उनको वही दिक्कत वहां पर होती है, तो उसमें एनडीए हमेशा बेनिफिटेड रहता है हमने देखा। अच्छा सर, सर जब पासिंग आउट पीरियड हुआ होगा सर, ठीक है, और मदर फादर साहब गए होंगे, क्या फील हुआ उस समय सर, जब कंधे पे सर, उस समय तो एक स्टार लगता था सर, शायद मुझे याद है सेकंड लेफ्टिनेंट इज सपोज्ड होते थे, और कोई ड्यूरिंग ट्रेनिंग में भी कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी जो कि अब मिलती है, तो इट वाज अ वेरी वेरी प्राइड मोमेंट, खास तौर पे पेरेंट्स के लिए। मदर फादर हमारे आए थे पासिंग आउट परेड पर, एनडीए में भी थे और आईएमए में भी आए थे, तो इट वाज अ रियली ग्रेट फीलिंग कि नेशन के लिए कुछ करने जा रहे हैं, बड़ा प्राउड ओकेजन था एंड वेरी मोमेंटस आई वुड से। बिल्कुल सर, ठीक है ना, क्योंकि सर मेरा मानना यह है कि कोई भी बच्चा, कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट अगर अपने माँ बाप को कोई बेहतर से बेहतर अगर गिफ्ट रिवर्ट कर सकता है, हालांकि जो वो बच्चों के साथ करते हैं माँ बाप उसको तो कोई रिवर्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके एवज में अगर कुछ भी अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ बेहतर किया जा सकता है, तो वो इससे बेहतर गिफ्ट नहीं हो सकता कि आपके माँ बाप आपके पास एक और परेड में जाए और आपके कंधे पे सितारे लगाए। ठीक है सर, एज फर्स्ट पोस्टिंग एज सेकंड लेफ्टिनेंट सर, कहां पर हुई थी सर फर्स्ट पोस्टिंग? सेकंड लेफ्टिनेंट मेरी वहीं पर ही जहां पर आईएमए है देहरादून में, क्योंकि मेरी पहली यूनिट वहीं पर ही थी, तो वहीं के वहीं लोकली। यूनिट कौन सी थी सर? मेरी यूनिट थी 861 लाइट बैटरी, हम मेरी कमिश्निंग रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में हुई थी, तो एक छोटी यूनिट थी, यारी यूनिट थी, यानी कि 3 साल से ज्यादा उस यूनिट में नहीं रहना था, क्योंकि इनिशियली पेरेंट यूनिट्स में उस टाइम ट्रेडिशन नहीं था, तो फिर मेरा 1 साल वहीं पर ही गुजरा, उसके बाद फिर वो यूनिट शिफ्ट हो गई कारगिल, तो बाकी 2 साल फिर हमने कारगिल में उस यूनिट के साथ बिताए थे। तो एज सेकंड लेफ्टिनेंट जब आप जाते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग टाइप का माहौल रहता है, जवान और जेसीओज और इतनी इतनी इज्जत देते हैं आपको, और काम करने का मजा आता है, क्योंकि आप जो है बेसिकली ट्रुप्स के साथ काम कर रहे होते हैं, ग्राउंड पे रह के काम करने का मौका मिलता है, नीचे के लोग जो भी अदर रैंक से लोग हैं जेसीओज उनके साथ मिलकर काम करने का मौका मिलता है, जो भी ट्रेनिंग भी करनी होती है वो भी उन्हीं के साथ करनी होती है, तो एक जो बॉन्डिंग है, जो रेजिमेंटेशन की जो लाइफ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो वहां से डेवलप होती है जब आप पहली यूनिट जब ज्वाइन करते हैं। अच्छा, तो सर आर्टिली ऑफ रेजिमेंट, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में सर सेलेक्ट हुए, मतलब ज्वाइन किया था सर ने, सर जो ये आरटी है सर, इसे गॉड ऑफ वार कहा जाता है। बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल, ऐसा गॉड ऑफ वार इसलिए किया जाता है क्योंकि बिना आर्टिलरी की सपोर्ट के इन्फेंट्री जो है ऑब्जेक्टिव कैप्चर नहीं कर सकती, दुश्मन की जितने से ज्यादा कैजुअलिटीज हम कर सकें थ्रू शेलिंग, थ्रू मिसाइल फायरिंग, तो उतना ही काम आसान हो जाता है इन्फेंट्री के लिए, इस वजह से गॉड ऑफ वार होता है बोला जाता है, क्योंकि हम लोग गन्स फायर करते हैं, गन्स फायर करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कॉमन वर्ड सुना है। बिल्कुल सही, आर्टी ऑफिसर की गॉड ऑफ वार कहा जाता है, ठीक है, जो भी ऑफिसर आरटी में होता है सर। सर हम बात करेंगे सर कमीशन ऑफिसर से लेकर के सर टू आईसी और सॉरी कमीशन ऑफिसर से लेकर के सर जो है कमांडिंग ऑफिसर तक का सफर, ठीक है, सीओ टू सीओ का अगर हम बात करें, कमीशन ऑफिसर से कमांडिंग ऑफिसर तक का जो सफर रहा, ठीक है ना, ये एक चैलेंजिंग सफर होता है, इसमें सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस थे, इसमें सबसे ज्यादा जो मजा था, जो थ्रिल था, वो किस पोस्ट पे आपको आया सर आपके ट्रेनिंग? एक्चुअली एज कमांडिंग ऑफिसर जब आप बनते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हो जाती हैं, हालांकि ऑन ग्राउंड आप काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आप डायरेक्शंस दे रहे होते हैं, हुकुम दे रहे होते हैं, आप काम करवा रहे होते हैं, और मेरे लिए खास तौर पे कमांडिंग ऑफिसर का टेन्योर इस वजह से भी ज्यादा अच्छा था और बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि हमने यूनिट जो है जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा सेक्टर में कमांड करी थी, जो कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन था, जहां पे छोटी छोटी टुकड़ियों के रूप में जो है हमारे जवान और ऑफिसर्स काम करते हैं, तो वो एक बहुत चैलेंजिंग काम हो जाता है जवानों के लिए भी और खास तौर पे कमांडिंग ऑफिसर के लिए भी, किस तरीके से विदाउट एनी कैजुअल्टी अगर हम कोई भी ऑपरेशन है उसको कर सके। अच्छा सर, आरटी के बाद सर आपने सर एविएशन ज्वाइन किया, आर्मी एविएशन कॉर्प्स, ठीक है, तो एविएशन कॉर्प के बारे में थोड़ा सा बताइए।
आर्मी एविएशन उस वक्त जब आर्मी एविएशन बना भी नहीं था लेकिन एरोपी के नाम से जाना जाता था, एयर ऑब्जर्वेशन पैलेट, जिसमें हम लोग आर्टिलरी की जो शेल्स होते हैं उसको डायरेक्शन देते हैं हवा में रहते हुए। अच्छा। तो उसमें उस वक्त सिर्फ एडी आर्टिलरी और रेजिमेंट ऑफ आर्टी से ही कन्वर्ट करके आप ऑप्ट कर सकते थे। अच्छा। तो मुझे भी मौका मिला और फ्लाइंग का मुझे बहुत चांस था। अच्छा। मैंने सेकेंड चॉइस एनडीए के लिए भी एयरफोर्स की दी थी। अच्छा। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला तो मैंने फिर 3 साल के बाद अप्लाई किया और लकीली सिलेक्शन भी हो गया फर्स्ट उसमें। तो बड़ा इट्स अ टोटली अ डिफरेंट लाइफ आई वुड से, बिकॉज़ जो चीजें आप ग्राउंड पे नहीं, वो जो चीजें आप हवा से करते हैं उसको उसका अलग ही मजा है। अच्छा सर, हेलीकॉप्टर चॉपर पायलट सर, कौन-कौन से चॉपर्स, कौन-कौन से जो है आपने एयरक्राफ्ट फ्लाई किए सर? जहाँ तक हेलीकॉप्टर्स का सवाल है, हमने एलुएट्स बोलते हैं उसको, और उसमें भी दो वैरायटी हैं, एक चीता नाम दे रखा है और एक चेतक्स। तो मेरा सारे फ्लाइंग करियर जो है चेतक्स में ही रहा है। अच्छा, चाहे जिस टेरेन में भी फ्लाइंग किया, हमेशा जितनी भी पोस्टिंग्स मिली सब में मेरा एज चेतक्स पर ही मैंने फ्लाई किया। अच्छा सर, बच्चों को आर्टिलरी एविएशन किसकी तरफ आप कहेंगे ज्वाइन करें, कहाँ ज्यादा चैलेंजेस हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए देखिए दो अलग अलग क्षेत्र हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आर्टिलरी बेटर है या एविएशन बेटर है, बल्कि अपने अपने क्षेत्र में दोनों ही बेटर हैं। एविएशन का रोल अलग है, एविएशन का अपना चार्म है, एडवेंचर है, फ्लाइंग है, आप पूरे देश में तकरीबन फ्लाई करते हैं, फॉरेन भी जाने का मौका मिलता है। और आर्टिलरी में आप जब फायरिंग कर रहे होते हैं और एक्चुअल वॉर में जिस तरीके से सपोर्ट देते हैं उसका अपने चैलेंज है, उसकी आप खुद देखते हैं कि जो प्लान आप बना रहे हैं वो प्लान ऑन ग्राउंड जब वो सक्सीड होता है वो जो सेटिस्फेक्शन और जो मजा आता है, वन फील्स रियली प्राउड। So, दोनों कैरियर अलग अलग है लेकिन दोनों के अपने अपने चार्म है, दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। ये उसी तरीके से जो है मैंने सर से क्वेश्चन पूछा था कि सर आपके दो बच्चे हैं, दोनों में से बेहतर कौन है सर? तो दोनों ही बेहतर होते हैं, दोनों ही बेहतर है, आरटी हो चाहे एविएशन हो। सर लास्ट पोस्टिंग सर आपकी एज अ मेजर जनरल थी सर, और आप सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ के कमांडेंट रहे सर, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ मेजर जनरल रैंक इन अ सिलेक्शन सेंटर सर? ओके, सिलेक्शन सेंटर में आप जब एज कमांडेंट होते हैं, चूंकि ये कपूरथला में था, नया रेजिंग था, तो एक तो चैलेंज वो भी था, टास्क दिया गया था कि इसको पूरा एस्टेब्लिश करना है। उस सेंटर के नीचे दो एसएसबी थी, 31 एसएसबी और 32 एसएसबी, और मेरे लिए एक एडिशनल इंटरव्यू ऑफिसर पोस्ट किया गया था। तो बड़ा अच्छा टेन्योर था क्योंकि मेरे को एक्सपोजर उसमें एज आईओ के अलावा साथ साथ जीटीओ का भी एक्सपोजर और साइकोलॉजी किस तरीके से ये लोग टेस्ट करते हैं और क्या चीज़ असेस करते हैं वो एक्सपीरियंस, और वो सिर्फ एज अ कमांडेंट ही जो है मैं जा सकता था और कोई नहीं जा सकता क्योंकि एक दूसरे के काम में जो है इंटरफेयर नहीं करते हैं, नहीं ऑब्जर्व करते हैं। हाँ। तो वो एक मौका मिला था मुझे, तो उसका मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। तो 31 और 32 एसएसबी को पूरी तरीके से डेवलप करने का जो है मौका मिला आपको एज ए कमांडेंट वहाँ पर सर। ये तो थी सर आपकी जर्नी। अभी हम बात करते हैं सर, जो बच्चा जो सबसे ज्यादा जानना चाहता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, एक यूथ है, जो यूथ हमारा है वो सबसे ज्यादा जो है वो जो चीजें पसंद करता है, जैसे जेएनके जम्मू कश्मीर को पसंद करता है, वहां पर किस तरीके से हमारे ट्रूप्स, किस तरीके से हमारी फौजें लड़ती हैं, काउंटर जैसे एरिया में, ठीक है ना, किस तरीके से ऑपरेट करती है, सारी चीजें हैं सर। तो जो चार्म है जो यूथ के दिमाग में जम्मू कश्मीर को लेकर के, उसके लिए क्या कहेंगे सर? अब तो खैर जम्मू कश्मीर काफ़ी बदल गया है और टेररिज्म भी काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन मेरी पोस्टिंग्स तकरीबन 6 बार मैं काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहा हूँ, जेएनके में ही रहा हूँ, और मेजर ऑनवर्ड्स मेजर था तब मैं बारामूला सेक्टर में था, और एज अ कमांडिंग ऑफिसर मैंने आपको बताया कुपवाड़ा सेक्टर में था, उसके बाद ब्रिगेडियर भी मैं वहीं पर था, और मेजर जनरल भी एक बड़े टेन्योर में वहाँ काट चुका हूँ, और एज अ यंग ऑफिसर मैं कारगिल में था। तो ये सारे एरिया जो है मेरे देखे हुए हैं। देखिए ऑक्स का अपना एक चैलेंज रहता है और वो मजा भी आता है जब आप एक टेररिस्ट को मारते हैं या किल करते हैं और किस तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, आप प्लान करते हैं उस ऑपरेशन को और जब आपको किल मिलती है और बिना अपनी कैजुअलिटी के, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसमें। देखिए खतरा होता है, खतरे हर वक्त होता है, लेकिन उस खतरे को महसूस नहीं होता उस टाइम जब आप ऑपरेशन में होते हैं, क्योंकि उस टाइम आपकी निगाह सिर्फ दुश्मन को होती है कि मेरे को दुश्मन को मारना है, एंड टेररिस्ट आर दुश्मन। तो ये चैलेंज रहता है।
सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअली वहां पर ये है कि छोटी छोटी आपकी जो जूनियर लीडरशिप है ये आपकी पूरी नजर आती है, क्योंकि वहां पर कमांडिंग ऑफिसर ना तो मिलेंगे ना 2IC मिलेंगे, आप एज ये कैप्टन हैं, एज मेजर हैं, आप टीम सबॉर्डिनेट्स को अपने जवानों की टीम को लीड करते हैं, छोटी छोटी टीम्स हैं, तो उसमें एक्चुअली आपकी पूरी लीडरशिप उभर के आती है, जो कि हम बात करते हैं हमेशा आर्मी के लिए, वो आपकी पूरी बात, और जब वो सक्सेस होती हुई नजर आती है जमीन पर तो उसका अलग अलग मजा है, अलग सेटिस्फेक्शन। मेरे ख्याल से आपने जो बताया कि पूरा जो आपका लवर टेन्योर उसमें मैक्सिमम टाइम जम्मू कश्मीर में है, तो कई बार टेररिस्ट से सामना होगा CICT ऑपरेशंस के दौरान। एक्चुअली क्या है ना कि वहां पे अलग-अलग यूनिट में अलग-अलग आर्म्स को अलग-अलग काम दे रखा। अच्छा अच्छा, तो एज आर्टिलरी को जनरली हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, अंटिल एंड अनलेस एज आर्टिलरी ऑफिसर होते, अगर आप R&R में RR बटालियन में पोस्टेड है फिर तो आप डायरेक्ट डील करते हैं। अच्छा अच्छा, अब चूंकि मैं आर्टिलरी यूनिट में मैं रहा हूँ तो हम लोग इनडायरेक्ट सपोर्ट एक तरीके से, जैसे कि रोड ओपनिंग। अच्छा। जब तक कि हम रोड को ओपन नहीं करेंगे, पिकेट्स नहीं लगा लेंगे पूरा एरिया सर्च करने के बाद, तब तक कोई मूवमेंट आर्मी की नहीं हो सकती, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और दूसरी चीज इंश्योर करना कि आपका एरिया पूरी तरीके से सैनिटाइज्ड है, क्योंकि अगर कन्वॉय निकल रहा है या कोई आर्मी VIP निकल रहे हैं और उस समय किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया तो वो फिर आपके अगेंस्ट फिट हो जाता है, तो इनडायरेक्ट। अच्छा, और दूसरा रहता था कि हम लोगों के अपने सोर्सेज यानी कि इंफॉर्मेशन, मेरी अपने एज 4 साल के टेन्योर में मैंने इतनी इंफॉर्मेशन दी टेररिस्ट की, उसके नतीजा ये रहा कि तकरीबन 21 टेररिस्ट मेरी इंफॉर्मेशन पे मतलब मारे गए थे। ऑपरेशन RR ने कमेंट आया था सर, ठीक है, बच्चों से मैंने बताया कि सर के साथ एक इंटरव्यू होने वाला है, तो बच्चों ने पूछा था कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन देयर विल बी एनी डर इन द माइंड ऑफ ट्रूप्स, कभी कोई डर होता है किसी के मन में? नहीं, मैं तो कहूंगा कि आपकी ट्रेनिंग एक्चुअली इस हद तक होती है कि कोई डर नहीं होता, क्योंकि जब आप देख रहे हैं आपको ऑपरेशन में जाना है और आपने सक्सेस उसमें लेनी है, तो उसमें फिर डर के सामने नहीं, भले ही सामने वो टेररिस्ट खड़ा है और आपको भी मालूम है कि वो भी गोली चलाएगा, आप भी गोली चलाएंगे और कोई भी किल इसमें हो सकता है, लेकिन जब वो चीज होती है ना, एक अलग सा जोश आ जाता है कि आप देश के लिए कर रहे हैं, इन दुश्मनों को आप मार रहे हैं, तो उसमें फिर वो डर का सवाल नहीं, डर का सवाल नहीं होता। तो बच्चा देखा, डर नहीं होता है किसी प्रकार का, जोश उभर करके आता है उस समय वहां पर, ठीक है, क्योंकि सामने जब टारगेट होता है और आपकी प्लानिंग जब जो है सक्सेसफुल हो रही होती है, तो जाहिर सी बात है डर का तो कहीं भी प्लेस ही नहीं बचता आपके दिमाग में। सर, कौन कौन से ऑपरेशन में आपने अब तक पार्टिसिपेट किया सर? सौभाग्य रहा है कि ऑपरेशन सबसे पहला एज यंग ऑफिसर मैंने देखा था सियाचिन ऑपरेशन 1984 में, दो हालांकि शुरू के ऑपरेशन स्टार्ट ही हुआ था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग आ गई थी, लेकिन सारे ट्रेनिंग उसके लिए और वो सारा ऑपरेशन मैंने देखा था जो सियाचिन में गया था। मेरा काम था एज एन OP ऑफिसर में गया था, क्योंकि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में मैं था, कारगिल में पोस्टेड। और फिर उसके बाद हमने ये अपना श्रीलंका ऑफ पवन में हम लोग वहाँ गए थे, तब मैं फ्लायर था। अच्छा, तो वहाँ भी हमने पार्टिसिपेट किया, वहाँ के जैसे टेररिस्ट थे उनकी बिल्कुल जंगल है और कहीं से भी फायर कर सकते थे, एक हम लोगों का फ्लाइंग का पैटर्न बिल्कुल अलग था, तो हम लोग ऊपर से फ्लाई करते थे और हम लोगों ने अपने एयरक्राफ्ट भी मॉडिफाई करके रखे हुए थे, जो दोनों तरफ मशीन गनें लगी थी। अच्छा। तो ऊपर से निकलते थे और हम लोग फायर करते थे जहां कोई मूवमेंट देखी, फिर ये लोग बाहर निकल के आते थे तो उनको फिर वो इन्फेंट्री पकड़ लेती थी, इन्फेंट्री फायर करती थी। अच्छा। तो इस तरीके से बड़ा चैलेंजिंग काम रहा है। तो एक वो ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद फिर ऑफ विजय आया। ऑफ विजय में हम उस वक्त डायरेक्टली कारगिल में तो नहीं पोस्टेड थे, मैं एक एविएशन यूनिट कमांड कर रहा था, वो थी जोधपुर के पास एक जगह नागतलाव, तो हम जैसलमेर सेक्टर में डिप्लॉयड थे और वहां पे दुश्मन पे नजर रखे थे कि कहीं ये वाला सेक्टर तो नहीं एक्टिवेट। अच्छा, हाँ सर, ये बहुत एक कॉमन सा एक निकल करके आता है हमेशा बात करने पर ऑफिसर्स के साथ में, कि जब ऑप विजय स्टार्ट हुआ, कारगिल में जब इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, लड़ाई स्टार्ट हुई, तो सारे बॉर्डर्स पे उतनी चाक चौबंदी से जो है लोग जो है तैयार थे, पूरी फौज डिप्लॉयड थी ऑल अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर, क्योंकि इंडियन आर्मी चांस नहीं लेना चाहती थी, यू नेवर नो कि सिर्फ कारगिल के अलावा वो लोग जो हैं अपनी मेन फोर्सेस इस साइड भी अगर एक्टिवेट करें, जो कि IB सेक्टर है, तो 24 घंटे हम लोगों की निगाह रहती थी, लेकिन हम लोग पूरी फौज जो है डिप्लॉयड थी, पूरी फौज डिप्लॉयड थी, बिल्कुल हम लोग हर तरीके से तैयार थे उस वक्त। और ये ऑपरेशंस में हमने पार्टिसिपेट किया है। और इसके बाद फिर आया मौका पराक्रम का, जब हम लोग ऑलमोस्ट अटैक करने ही जा रहे थे, उस टाइम मैं यूनिट कमांड कर रहा था सारा, जैसा कि आपने बताया गॉड ऑफ वॉर का
था, वो रोल जो है उस वक्त प्ले होने ही वाला था, अच्छा, लेकिन इतनी तेज फिर बर्फ हुई और फिर एक्साइज भी कॉल ऑफ हो गई वो अटैक, फिर हमें हम लोग फिर वापस आ गए वहां से, फिर दोबारा चांस के लिए वेट करते रहे, लेकिन प्रोबली सरकार की तरफ से ऐसा कोई हुक्म हुआ नहीं कि हमें अटैक पर जाना है, लेकिन हम बिल्कुल FUP जिसको बोलते हैं जहां से कि हम लोग बिल्कुल अटैक करते हैं वहां पे हम लोग बिल्कुल तैयार थे, तैयार थे, लेकिन एट द एंड ऑफ टाइम वो भी एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा सर, अफसर बनना है तो एक क्लियर कट एक रास्ता है जिसे कहते हैं SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से बच्चों को निकलना पड़ता है सर, उसके बारे में कुछ बच्चों के टिप्स दें सर कुछ। बच्चों को अगर SSB क्लियर करना है, जो मैंने देखा है, देखिए एक तो सोशल फैक्टर्स हमने देखे कि काफ़ी वीक रहते हैं, जैसे कि 15 वेल फ्यूज क्वालिटीज होती हैं, इसमें से तकरीबन 8 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि सोशल फैक्टर्स में आते हैं, और आजकल के बच्चों में मैंने वो चीज़ थोड़ी एक वीकनेस देखी है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, इंटरेक्ट करें अदर देन बुक्स, और बाहर क्या हो रहा है, कौन कैसे काम करता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, सोसाइटी में क्या है, इन सब चीज़ों की भी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा